मारा बेटा दिवा दो साहब। कहाँ है आपका बेटा? एक झाड़ से लटके हुए पिछला डेढ़ साल से। झाड़ से? जी साहब, झाड़ से। सत्ताईस अगस्त 2015 को एक बूढ़ी माँ 70 किलोमीटर की दूरी तय करके एक पुलिस चौकी पहुंची। उसकी शिकायत थी कि पिछले 18 महीने से उसके बेटे का शव एक पेड़ पर लटका है। क्या मजबूरी रही होगी इस माँ की जो वो इतनी लाचार थी, और क्यों एक मृतक के शरीर के साथ इस तरह का निर्मम बर्ताव हो रहा था? हमारे देश में आज भी ऐसे कई छोटे छोटे गाँव है जिनके 70 किलोमीटर तक के रेडियस में भी कोई पुलिस व्यवस्था नहीं है। और जाहिर सी बात है कि जहां कानून व्यवस्था नहीं होती है वहां पर लोग अपने कानून खुद बना लेते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ इस बूढ़ी मां के साथ भी। सरपंच जी, खम्मा गड़ी सा। सरपंच जी, उस बुढ़िया ने कोई काम धंधा तो है नहीं। पहले दिन रात अपने बेटे की लाश के नीचे बैठी रहती थी, और अब घूमते घूमते शहर पहुंच गई और वहां से पुलिस ले आई। सरपंच जी, वो बात एकदम बर्दाश्त से बाहर है कि हमारे पुरखों के बनाए हुए रिवाज पे कोई टांग अड़ावे। कुछ करण से पहले इजाजत ली है के? आप कौन? बड़े भाई ना किसू में इसका भाई से। ये टेकपुर है, यहाँ का कानून आपकी किताबों में ना मिलेगा, और गांव में तो घुस गए पर यहाँ के मामलों में ना घुसने देंगे आपको। गांव को मामलों? अरे यो मारो बेटो तो, कांजी मारो बेटो तो, चारो भाई तो यो साहब मारो मारो बेटो चावे। 9 महीना तक अपना खून से इन बेटा ने पाले, आज 18 महीना से यो पेड़ पे टंग रहे। सब लोग अपने रास्ते भूल गया, अपना रिश्तों कांजी से भूल गया। अरे रिश्तों से बड़ा होया रिवाज, हाँ एक दो रिश्तों की अहमियत कोई नहीं को। और तू इन सब मामलों में मत पड़ मां, बोल दे रहा हूं मैं तेरे को, तू तू कुछ मत कर। कौन सालों में तुम्हारो बेटो छो आपको देखकर अच्छा लगा। मैं ब्रजेश्वर प्रसाद, इस गांव का सरपंच, आपकी सेवा में हाजिर। सरपंच जी, हमें कंप्लेंट मिली है जिसकी वजह से ये जरूरी है कि इस बॉडी को नीचे उतारें और थाने ले जाएं। आपके लिए तो हमारी जान हाजिर है दरोगा साहब, पर ये लाश आपके लिए तब तक हाजिरी ना लगा पाएगी जब तक कि घरवाला ने मोहताना के पैसे ना मिलेंगे। उससे पहले बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। मोहताना यानी मौत का मुआवजा। मोहताना राजस्थान के भील समुदाय की बनाई हुई एक ऐसी प्रथा थी जिसमें अगर मजदूरी करते वक्त किसी की मृत्यु हो जाए तो उस जमीन के मालिक को मरने वाले के परिवार को हर्जाना देना पड़ता था। लेकिन समय के साथ इस परंपरा ने एक भयानक रूप ले लिया।
अब मृतक के शरीर का अंतिम संस्कार तब तक नहीं किया जाता जब तक उसका हर्जाना वसूल नहीं हो जाता, और इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। आज जहां एक तरफ हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आज भी हमारे देश में ऐसे कई गांव और प्रांत हैं जो रूढ़ीवादी और झूठी परंपराओं की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, और मौताना भी एक ऐसी ही प्रथा का नाम है। कांजी के भाइयों को भी मौताना से मिलने वाली रकम का इंतजार था, लेकिन इस बार ये इंतजार 18 महीने का हो चुका था। कि कांजी की मौत कैसे हुई? नशेड़ी था, नशे की हालत में क्या कुछ कर जाता था कुछ पता नहीं चलता था। नशे और परेशानी ने उसे खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। अब मैं एक माँ की परेशानी नहीं हूँ, अच्छे तरह से समझो, पर क्या करूँ? पुरखों की पुरानी परंपरा है, कैसे तोड़ूं? ये सब झूठ बोले हैं साहब। मारा बेटा ने खुदकुशी को नहीं करी, को नहीं करी। आप गांव के सरपंच हैं, आपको तो कम से कम कानून की समझ होनी चाहिए, उल्टा आप इन लोगों का साथ दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं। अब जिस कानून की बात कर रहे हो ना दरोगा साहब, वो यहाँ से 70 किलोमीटर दूर आपकी चौकी पर खत्म हो जाता है। ये हमारे बाप दादाओं ने अपने हाथों से ये गांव बसाया है, और इस गांव के अंदर उनका ही कानून चलता आया है, उनका ही कानून चलता रहेगा। अगर आपको पकड़ नहीं है ना, तो जाओ उस जाकर रतन को पकड़ो। रतन? ये रतन कौन है? अरे वही कमीना जिसकी वजह से कांजी मारा गया। वो उसी के खेता में काम करता था, वो सुबह शाम उस पर बड़ा जुल्म करता था, मारता पीटता रहता था। गायब होने से एक दिन पहले तक वो उसी के खेता में काम कर रहा था, उसी ने उसको आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। अब औताना की बात आई तो गायब हो गया कहां से। यही वजह थी कि कांजी ने खुदकुशी कर ली। परिवार चलाना मुश्किल था, कर्ज में दबा हुआ था, और रतन के जुल्मों को कब तक सहता? ये रतन मिलेगा कहाँ? भवानी मंडी भाग गया था, लेकिन अभी भी उसका घर और जमीन यहाँ पर है। कहाँ तक भागेगा साहब? कभी ना कभी तो आवेगा। और जब तक रतन खुद आकर के पैसे मतलब मौताना नहीं देता, तब तक लाश असीटेंगे रहेगी पेड़ पे। ये तो हमारे गाँव का रिवाज है। एक रिवाज हमारा भी, हम भी गलत काम करने वाले को ऐसे ही लटकाते हैं फांसी पे। ये कांजी के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो गलत है। सूर्यवान, ये केस इस सिर्फ छोटे गांव में आत्महत्या का नहीं है, गांव वालों की मान्यताओं का है। सदियों से चली आ रही इस प्रथा को वो इतनी आसानी से तोड़ने नहीं देंगे। मुश्किल ये है कि हम चाह रहे हैं, गांव वालों से निपटना इतना आसान नहीं है। अगर कांजी को गांव से बाहर निकालना है तो हमें भी अपनी ताकत गांव वालों के बराबर करनी होगी। सर अगर आप कहें तो मैं एक्स्ट्रा फोर्स का इंतजाम करूं। हाँ बिल्कुल सर, करो। बैठो जल्दी, चलो। एक्स्ट्रा फोर्स तो हमें मिल जाएगी सूर्यवान, पर शायद इस प्रोसेस में थोड़ा वक्त लगेगा। ये गांव भी तो कुछ ज्यादा दूर है अपनी चौकी से। तुम्हें क्या लगता है, कांजी को आत्महत्या करने के लिए किसी ने उकसाया होगा क्या? साहब जी, कांजी मोटी चमड़ी का था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने आत्महत्या की हो। कांजी को जरूर किसी ने मारा है, और साहब बलि का बकरा मन्ने बना दिया, इसीलिए मैंने गांव छोड़ना पड़ा। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि कांजी को किसी ने मारा ही होगा? जब मैंने कांजी को नौकरी से निकाला तब वो एक महीने तक गायब था। मन्ने सोचा उसने किसी और जगह काम पकड़ लिया होगा और रात दिन दारू पीकर वहीं पड़ा रहता होगा। पर साहब जी, अचानक उसके बारे में एक दिन एक खबर मिली। क्या बात है सरपंच जी, यो हमारे घर के आगे इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? हम लोग यहाँ पर कांजी की मौत का मौताना वसूलने आए थे। सारी एसेट के हिसाब से ज्यादा ना है, सिर्फ 11 लाख रुपए। मारे से किस बात का मोताना? ना यो कांजी मारे यहाँ काम करे था, और ना इसके लाश मारी जमीन से मिली है। अरे क्यों झूठ बोले से रतन, मन्ने अच्छे तरीके से मालूम है कि कांजी थारे खेतों में एक महीने पहले काम करता था, और जिस दिन तूने उसको मार पीट के निकाला उस दिन से वो गायब है। तन्ने मार दिया कांजी को रतन, तारी मार की वजह से उसने आत्महत्या कर ली, और उसने जो कुछ भी कहा था तन से
वो मन्ने अच्छे से मालूम, और तू ही मौत का जिम्मेदार है कांजी का, और 11 लाख रुपए तन्ने ही देने पड़ेंगे रतन। मैं 1 रुपये को नहीं दूं। थे कान खोल के सुन दो सरपंच जी, कान जी को एक भी पीसो मारो ऊपर कौन नहीं निकले, बात खत्म। साहब जी, एक बोरी में खुद को बांध के फिर एक पेड़ से लटक कर कौन मरता है? और जहां कांजी की लाश मिली वहां उसकी लाश एक दिन पहले तक क्यों नहीं थी? और अगर उसी दिन वो लाश उस पेड़ तक पहुंची तो कांजी 1 महीने तक कहां था? साहब जी, ये 100% मर्डर है। ये लोग मुझे फंसा कर मारा रुपया लूटना चाहते हैं, और ये रुपया 4 लोगों में बटेगा, पंचायत, कांजी की घरवाली और उसके 2 भाइयों में। साहब जी, हो ना हो इनमें से ही मारा है किसी ने कांजी को। रतन के बयान ने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया, क्योंकि मुआवजे की रकम हत्या का प्रमुख कारण लग रहा था, इसलिए उस रकम के जितने भी दावेदार थे पुलिस ने उन सब की छानबीन शुरू कर दी। साहब, ये सब पन्ना के कारण हुआ है। मेरा बेटा कांजी पन्ना को बहुत प्यार करता था, पर शायद ये सब मन्ना के लिए काफी नहीं था। किसी को कांजी की परवाह नहीं है, सब अपने फायदे में लगे हुए हैं। कांजी को ऊपर लटकाने में कई लोगों के ईमान नीचे गिरे हैं। कांजी की माँ को कांजी की पत्नी पन्ना पे डाउट है। रतन ने भी इशारा पन्ना की तरफ किया था। ये पन्ना का मामला कुछ ज्यादा ही उलझा हुआ लग रहा है। कांजी शराबी था साहब, पीने के बाद वो क्या करेगा इस बात का कोनो भरोसा ना था। हो सकता है शराब पीकर खुद ही लटक गया हो पेड़ से। एक आदमी ने खुद को बोरी में डालकर पेड़ से लटका लिया और सुसाइड कर लिया। ये जितने भी लोग इस फालतू के लॉजिक को सच बता रहे हैं सब के सब झूठ बोल रहे हैं। इन पर नजर रखो सूर्यवान, हम इनमें से किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। सर, कांजी की पत्नी पन्ना और उसके बहनोई सियाराम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जी साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, इसका मतलब कांजी की पत्नी पन्ना का चक्कर सियाराम के साथ चल रहा है। एक तरफ तो कांजी की लाश कब्र में दफन भी नहीं हुई, और दूसरी तरफ हमारे सामने हर रिश्ते का सच कब्र खोद के निकल रहा है। कहीं यही वजह तो नहीं जिसकी हमें तलाश है? हो सकता है सर। एक विधवा का एक बच्चे के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाना क्या होता है साहब, वो आप ना समझ सकोगे, क्योंकि हमारे समाज में तो औरतों पे कीचड़ उछालने से मर्दानगी साबित हो गए। सियाराम ने मारे में दिलचस्पी दिखाई, और कांजी के जाने के बाद मुझे भी किसी का सहारा चाहिए था। हम दोनों की जरूरतें मेल खाती थी, और यही कारण था कि हम दोनों का मिलना शुरू हो गया। और इसके बाद तुमने रिश्ते बना लिए? वो मारा सबसे ज्यादा ख्याल रखता है, कांजी भी मारा ख्याल रखता था, पर सियाराम उससे भी ज्यादा मारा ख्याल रखता है, और इतना ही काफी है हमारे लिए। पन्ना को ये बात ज्यादा अच्छी लगती है कि सियाराम उसका सबसे ज्यादा ख्याल रखता है। अब पता ये करना होगा कि सियाराम पन्ना प्रेम गाथा कांजी की मौत के बाद शुरू हुई या कांजी की मौत के पहले से ही। हुकुम साहब, हमारे को क्या लेना देना कांजी की मौत से, और उसे भी उसके पत्नी के साथ में पिछले 1 साल से ही हूँ, मतलब कांजी के मौत के 6 महीने बाद से। और आपको अगर ये जानना है ना कि कांजी ने आत्महत्या किया कि उसका खून हुआ, तो ये बात आपको कांजी के भाई केदार और भानु से पता चलेगा। हाँ साहब,
सबसे पहले बानो और केदार ने देखा था, उन लोगों ने फिर हम सबको बताया, फिर हम लोग लाश लेकर रतन के घर गए मोताना मांगने। भानु और केदार दोनों के ऊपर बहुत कर्ज है साहब, कांजी 19 था तो ये दोनों भाई 20। तुम दोनों ने साथ मिलकर कांजी को ऊपर लटकाया, अगर वो बोरी में डाले जाने से पहले मर चुका था। आप क्या बोल रहे हो, काई को नहीं समझ में आ रहे हो साहब। कोई बात नहीं, ये सुनने की आदत है हमें, ये केस सॉल्व होना हो मगर तुम दोनों के मौताने में हमारा हिस्सा पक्का है। साहब साहब मैं सब बता दूंगा साहब, मारो मत साहब, मैं सब बता दूंगा। बता साहब, ये बात सच है कि मारो पर बहुत कर्ज है, गांव में हर आदमी के ऊपर कर्ज है साहब, पर मैंने कांजी को ना मारी साहब। तो फिर किसने मारा साहब? वो उस दिन तारा भाई मिल जावे को, पहले मारे साथ चलो, मारे कुएं ने साफ करके आ, चलो चलो सर, ठीक हो चलो। सूर्यभान, लाश सरपंच के कुएं के पास मिली, हो सकता है पहले सरपंच ने कांजी को मारा और फिर अपने कुएं के आसपास दफना दिया, और फिर इन दोनों भाइयों को उसने जानबूझकर कुएं की सफाई के लिए बुलाया, और जब सफाई के दौरान इन दोनों को कांजी की लाश मिली तो उसने इन्हें अपने प्लान में शामिल कर लिया। पर कांजी और सरपंच में कनेक्शन क्या हो सकता है? हमारे प्राइम सस्पेक्ट थे सरपंच, ये दो भाई और कांजी की पत्नी पन्ना, बाकी सबका तो पता चल गया, बची पन्ना। तो चलो अब पन्ना के भी पन्ने खोल डालते हैं। चलिए, हमने पिछले 2 साल के सारे गड़े मुर्दे उखाड़ डाले, कांजी की लाश भी हमें सरपंच के कुएं में दबी मिली, जिसे बोरी में डालकर आत्महत्या का रूप दे दिया गया। देखो पन्ना, देर सवेर हमें सारी बातें पता चल ही जाएंगी, इसलिए अगर कुछ छुपा रही हो अभी भी वक्त है। कांजी की जिंदगी सिर्फ 2 ही चीजों पे चलती थी साहब, पहला दारू, दूसरा कर्ज। ये क्या किया तने मारे साथ, तने मारे को धोखा देके मारी लुकाई के साथ। देख, अरे तारे को बोला तो था कि मन्ने भूख लगी है, और ऐसे वक्त पे किस चीज की भूख लग सकती है बता? अरे शराब के बाद सवाब की भूख होती है, ये भी बताना पड़ेगा के? चल खड़ा हो, खड़ा जो, बैठ बैठ, हाँ इधर देख, अरे इधर देख, मारे 2 लाख रुपए तारे पास है, मन्ने मांगे के नहीं ना? मन्ने भूख होती है सवाब की, तुम्हारी भूख शांत कर, मैं तारी भूख शांत करूंगा, बहुत अच्छा सौदा बता रहा हूं। चल ये ले 20 रुपए और ये ले दारू, अरे रख ले, चल। हम जात से भी छोटे और पैसे से भी गरीब है साहब, कई महीनों तक ऐसा चलता रहा, पर जिस दिन कांजी गायब हुआ उसके ठीक 2 दिन पहले अपनी जिंदगी के सारे पाप धो जावेंगे, तू परेशान ना हो, देख देख मन्ने दारू छोड़ दी है, भले ही मन्ने भूखों मरनो पड़े पर तन्ने सरपंच की भूख ना बनने देंगे। ओ कांजी, तुझे सरपंच साहब ने अभी के भी बुलाया है, तू अपनी बोतल उठा और उन्हें अपनी उठाने दे, निकल जा यहां से और जाके कहते अपने सरपंच से उसकी और मेरी यारी दोस्ती खत्म, 2 दिन में उसके 2 लाख रुपए उसे ला के दूंगा, और उसके बाद यहाँ आने की हिम्मत ना कर, जा निकल जा। फिर वो 2 दिन कभी नहीं आया साहब, हाई तो कांजी की खबर। आप मेरी बहन से क्या पूछताछ कर रहे हैं? अरे पूछताछ करनी है तो उनसे जाकर कीजिए, जो हाँ सब बाता का जिम्मेदार है। जब किसी गरीब का फायदा उठाकर उसका शोषण किया जाता है तो नुकसान सिर्फ उस गरीब का नहीं बल्कि पूरे समाज का होता है।
क्योंकि ये सोच समाज की उस विकृत मानसिकता को दर्शाती है जिसे अब सुधरने की जरूरत है। गांव का सरपंच भी इसी मानसिकता का शिकार था। उसने अपने रुतबे और स्थान का फायदा उठाकर एक गरीब औरत का शोषण किया और जब कांजी ने इस बात का विरोध करना शुरू किया तो जाहिर है सरपंच को यह बात हजम नहीं हुई होगी। लेकिन क्या सरपंच ने ही कांजी को अपने रास्ते से हटा दिया? अम्मा जी, पोस्टमार्टम के बाद आपको आपका बेटा सौंप देंगे और हो सकता है शायद तब तक खूनी भी कानून की गिरफ्त में हो। कानून के हाथ तुम्हारे खोखले रिवाजों से ज्यादा मजबूत होते हैं सरपंच। सूर्यभान सरपंच के लिए पंचायत बैठाओ, उठा के ले जाओ इसे। हमें गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए कुएं की जरूरत नहीं पड़ती सरपंच, ले जाइए। देखो दरोगा साहब, मैंने कांजी का खून नहीं करा, आप ही बताओ। वो कांजी नंगा फकीर 20-20 रुपए हमारे से लेता था, हमारे से आखिर वो 2 लाख रुपए कहां से लाता? अरे उसकी लुगाई झूठ बोल रही है, वो अपने छोटे भाई उपेंद्र को बचा रही है। उपेंद्र और कांजी का झगड़ा था इसीलिए उसने कांजी को पीटा भी था। उपेंद्र, ये उपेंद्र, अबे सारू तू पत्तों खेलो यहाँ पे, मुझे सारे को सारे गांव में ढूंढने से भाग दो, लठ मारी कर भागो चले गए। क्या लगा था तुझे हमसे बच के भाग जाएगा? मैंने नहीं मारा साहब। अरे कांजी को मार कर क्या मैं अपनी बहन को विधवा बनाना चाहूंगा ना? हाँ, मेरा खून जरूर खोला था जब मैंने अपनी बहन और सरपंच के बारे में सुना, लेकिन मुझे पता था कि मेरे चाल लेने से कुछ भी नहीं होगा। मेरी बहन एक दलदल में फंस चुकी थी सिर्फ कांजी की वजह से, इसलिए मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। गायब होने के ठीक 2 दिन पहले कांजी मेरे पास आया। मन ने दारू छोड़ दी उपेंद्र, मेरा भरोसा कर, भूखों मर जाऊंगा लेकिन कभी शराब को हाथ ना लगाऊंगा। मन ने कसम खाई है 2 दिन में 2 लाख रुपए का इंतजाम हो जाएगा, मैं जाके सरपंच को लौटा दूंगा। पन्ना को वहां जाने की कोई जरूरत नहीं, भरोसा कर मुझ पे, विश्वास कर मुझ पे। फिर वो गायब हो गए और फिर एक दिन पेड़ से उसकी लाश लटकी हुई मिली। हमने लगा कि उसने जानबूझकर खुदकुशी की है ताकि मोताने से मिले पैसों से मेरी बहन की जिंदगी ठीक हो जाए। मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उसकी हत्या हुई है। सूर्यवान, हो सकता है कांजी यहाँ किसी से 2 लाख रुपए लेने आया हो और उसे मार दिया गया हो सकता है। सर, कांजी की ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई है, स्कल्प क्रैक है, कांजी के सर पे किसी ने वार किया था, मर्डर वेपन भारी या नोकेली चीज, हथौड़ी या उसके जैसे कोई और चीज। सर एक काम करो, कांजी के आगे पीछे ऊपर नीचे जितने भी लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं सभी के घर में छापे मारो, इन्हीं में से किसी के घर में से मर्डर वेपन हाथ लगेगा और मर्डर वेपन हाथ लगते ही हमारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक बात और, कांजी की जिस दिन मौत हुई उससे जुड़े सभी लोगों के कॉल डिटेल्स चेक करो, यहां तक कि अगर गांव में पीसीओ लैंडलाइन जो भी है
चेक करो उस दिन की सारी कॉल डिटेल्स। यकीन मानो हम केस को सॉल्व करने के बहुत करीब हैं सूर्यमान। सियाराम, खैर मनाइयो कि इन हथौड़ी और कुल्हाड़ी पर कांजी के खून के निशान ना निकले, वरना वो तो मरने के बाद लटका था, तुझे जीते जी लटका दूंगा। चलो सूर्यमान। सर रिपोर्ट आ चुकी है, लोहार के यहां से मिले कुल्हाड़ी के हैंडल में ब्लड ट्रेसेस मिले हैं जो कांजी के डीएनए से मैच करते हैं। सर क्या सब ये कुल्हाड़ी तो मैंने सियाराम ने आके बेची थी। तुझे कैसे पता कि इतने सारे औजारों में यही कुल्हाड़ी तुझे सियाराम ने बेची थी? सब मैं तो बड़ाई और मिस्त्री का छोटे मोटे औजारी बनाऊ, कुल्हाड़ी तो कभी बनाई नहीं। कुल्हाड़ी भारी थी सो रख लिया, सोचे कि गला दूंगा। सर कॉल रिकॉर्ड्स आ चुकी है, हत्या के दिन कांजी और सियाराम के बीच बातचीत हुई थी और ठीक उसी रात सियाराम का मोबाइल लोकेशन उसी जगह पर एक्टिव था, कुएं के पास, और लोहार के पास से मिली कुल्हाड़ी भी सियाराम की ही है। इसका मतलब सियाराम ने ही कांजी को मारा है। बोल दूं साहब, सब बोलूंगा, मैंने मारियो कांजी को साहब, मैंने मारियो कांजी को। भाइयों, नरेंद्र की लाश लक्ष्यराज की जमीन पर मिली से। नरेंद्र लक्ष्यराज की जमीन पर काम करे था, अब लक्ष्यराज ने नरेंद्र को 800,000 रुपए मोहताड़ना के देने पड़ेंगे। लक्ष्यराज चल भाई मोहताड़ना के पैसे दे। देख मैंने सब पता है सियाराम, तूने खुद ही मारा है नरेंद्र ने ताकि उसकी मौत का मोहताड़ा वसूल सके। जंगल के पास देखा मैंने तने लच्छाराम की जमीन के पास अपने भाई को ठिकाने लगाते हुए। देख कांजी, मैं तारा जीजा हूं यार, क्यों फंसाना चाहता तुम्हें? जीजा है इसीलिए अभी तो कुछ नहीं बोला, और चुप रहा। हे चेता रकम हमारे से बोल। मोहताड़ा की रकम में से 2,00,000 रुपए, और वैसे तू घणो समझदार है। समझदार तुम्हारा खड़ा हूँ कांजी। हेलो कांजी, तो बात सुन, काम कर पुरानी बावड़ी के पास में, देता हूँ तारे को 2,00,000। कत्ल तो हो गया सर हमारे हाथ से कांजी का, पर मैं समझ को ना साहब, मैं करतो तो करतो क्या करतो। हमारा देश अपनी पौराणिक कथाओं, संस्कृति और रीति रिवाज के लिए जाना जाता है, और ये रीति रिवाज समाज और इंसान की भलाई के लिए बनाए गए थे। लेकिन आज कुछ लोग लालच में आकर अपने फायदे के लिए इन्हीं प्रथाओं का गलत उपयोग करने लगे, और यही वजह है कि मोहताड़ना जैसी प्रथाएं आज एक व्यवसाय बन गई। यहाँ तक के लोग अपनी आपसी रंजिश और दुश्मनी को निकालने के लिए भी मोहताड़ना का इस्तेमाल करने लगे। मोहताड़ना की शुरुआत गरीब परिवारों की आर्थिक सहायता के लिए हुई थी, लेकिन आज मोहताड़ना जैसी प्रथाएं हमारे देश को दीमक की तरह खोखला कर रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि फरवरी 2015 तक अगर इन कुप्रथाओं की समस्याओं से निपटने के लिए राजस्थान सरकार ने कोई नया कानून लागू नहीं किया तो राजस्थान को एक पिछड़ा हुआ प्रदेश घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी ऐसे कई गाँव हैं जहाँ पर इन प्रथाओं का चलन है।
सियाराम को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए, 203 के तहत जांच को भटकाने के लिए और धारा 120 बी के तहत षड्यंत्र रचने के लिए अरेस्ट किया गया है। सरपंच को आईपीसी की धारा 201 और 203 के साथ साथ धारा 376 के तहत बलात्कार के जुर्म में भी अरेस्ट किया गया है। सियाराम को जो सबक मिला वो हम सबके लिए सीख है कि जुर्म का सहारा लेकर कभी भी अपने लालच को पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे एक नहीं बल्कि कई जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।